So, hello everyone. Today we are going to start second chapter of geography, class 7th, inside our earth. So in this chapter we are going to talk about what is earth, what are the different parts in which earth is being divided, and we are going to see what it made up of and all. So hum start karenge sabse pehle cheez se ki what is earth. We have already discussed this thing in the live classes ki earth kya hai. And once again, I'm just here to revise the things. Ki what is Earth? So Earth is a globe-like structure which is made up of different layers of soils and all. And usually we have divided Earth with the three different layers, that is crust, mantle, and core. हमने Earth को तीन parts में divide करा है, crust, mantle और core. हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे. Crust जो कि खुद अपने आप में ही दो parts के अंदर divided है. Crust वो जो upper layer है, that is made up of soil, rocks and number of minerals, जिसको कि हम crust समझते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, that is known as crust. You can see in this picture, this is our crust. The upper, the fine blue line you can see over here, this is our crust. इसके अंदर mantle, ये second layer है हमारी. Third one is about core. Core को दो parts में बांटा गया है, ठीक है, outer core and inner core. Let's talk about crust over here now. क्रस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. क्रस्ट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि एक पार्ट है जो कि कॉन्टिनेंटल पार्ट है और दूसरा जो कि ओशनिक बेड है. कॉन्टिनेंटल पार्ट मींस जहां पर कि कॉन्टिनेंट्स, जहां पे लैंड पार्ट है, यूजुअली लैंड पार्ट है वो सियाल से मिलकर बना है, SIAL. ये दो अलग अलग सिंबॉलिक साइंटिफिक नेम्स हैं किसके लिए, कॉन्टिनेंटल लैंड पार्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल सिलिका, SI stands for silica and AL stands for aluminium. ये दो अलग minerals हैं जिससे मिलकर हमारा continental area बनता है. Plus second form है crust का जो कि oceanic beds हैं, जो कि ocean वाला area है जहाँ पे जो कि सीमा, जिसमें कि silica plus magnesium, these two minerals की maximum इनका portion रहता है. और ये पूरे ओशनिक बेड के अंदर स्पेशली दीज टू एलिमेंट्स आर फाउंड. सो ये दो पार्ट्स के अंदर अर्थ क्रस्ट डिवाइडेड है. अर्थ क्रस्ट की जो स्ट्रेच जो होता है पूरा अर्थ के अंदर, दैट इज नियरली अबाउट 35 किलोमीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैंड टिल द मेंटल. और जहाँ पर ओशन बेड आ जाता है वहाँ पे क्रस्ट नियरली अबाउट 5 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच करता है. ओके, सो दिस इज वॉट वी कॉल एज अ अर्थ क्रस्ट. Then let's move to the topic of mantle. Mantle एक second layer है और ये बहुत ही important और main layer है हमारी, which nearly stretches up to 2900 किलोमीटर. ये 2900 किलोमीटर तक स्ट्रेच होती है, whereas crust nearly 35 to 40 किलोमीटर तक ही स्ट्रेच हो पाता है. और काफ़ी बड़ी mantle है, layer है जो कि स्ट्रेच होती है. इसे आप आगे वाली क्लासेस में यू विल लर्न अबाउट कि मेंटल इज ऑल्सो इन टू डिफरेंट पार्ट्स, एक जो कि काफ़ी हार्ड है और सेकेंड पार्ट जो कि इसका काफ़ी सेमी मोल्टन है. ओके, सेमी हार्ड, दैट मीन्स वो पूरी तरीके से हार्ड नहीं है, बट स्टिल द मेंटल इज समवॉट हार्ड, जिसके कारण से अर्थ के ऊपर सब तरफ मूवमेंट्स होते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेंटल, जो एक मेंटल एक ऐसी लेयर है जिसके कारण से सब तरफ मूवमेंट्स हो रहे हैं. बिकॉज आर अर्थ इज डिवाइडेड इन टू नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेट्स and these plates nearly floats on the mantle, जो जहाँ पे mantle semi solid है, इसके वजह से जो plates हैं, tectonic plates, these plates used to move. And how these plates move, just because we have a lot of heat and pressure in the semi molten places on the mantle, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा heat and pressure generate होता है. और इतना ज़्यादा pressure होता है कि वो pressure पूरी तरीके से tectonic plate को ही move कर देता है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए. तो उस प्रेशर के कारण से वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती है, ठीक है. सो बाय द नियर कमिंग क्लासेस यू विल लर्न कि वो कौन से प्रेशर होते हैं. इन्हें दो प्रेशर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज कोर. कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट पार्ट्स, इट्स आउटर कोर एंड इनर कोर. आउटर कोर एंड इनर कोर ये दोनों मिलाकर पूरे 3500 किलोमीटर तक स्ट्रेच करते हैं. दैट इज नियरली अ वेरी बिग पार्ट. 3500 किलोमीटर इज जस्ट अ रेडियस ऑफ इट. ये केवल इसका छोटा सा रेडियस है. और
इसे NIFE करके डिनोट किया गया है. NI स्टैंड्स फॉर निकल एंड FE डिनोट्स फॉर फेरस. ये RX इज समथिंग रॉन्ग आई हैव रिटन ओवर हियर. फेरस का एग्जांपल है ये EX, इट शुड बी EX. ओके सो इट शुड बी EX एग्जांपल आयरन, मतलब फेरस मटेरियल जो कि एक आयरन है जिसके वजह से कोर में बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, और ये कोर ही है जिसके कारण से हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत अच्छा ग्रेविटेशनल पुल है. ओके सो एंड द नेक्स्ट वन इज चेंजेस टेक्स प्लेस इनसाइड द अर्थ एज वेल एज आउटसाइड द अर्थ. इस कारण से ये जो थ्री डिफरेंट लेयर्स हैं इनके यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं हमारे अर्थ के अंदर भी और अर्थ के बाहर भी. नाउ वो कौन से चेंजेस आते हैं, दिस इज नॉट इन आर कोर्स नाउ इन दिस ईयर, इट्स नॉट ओवर हियर, इट विल बी देयर इन द 8th क्लास दैट वी आर गोइंग टू सी, बट स्टिल आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस यू. ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है बट आई हैव इंट्रोड्यूस यू कि वो कौन से फोर्सेज हैं, किस प्रकार से हमारा मेंटल मूव कर रहा है, क्या फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे हमारा मेंटल वर्क करता है, कैसे डिफरेंट चीजें होती है, वो कौन से फोर्सेस हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट. और ये केवल इंफॉर्मेशन तक ही हम रखेंगे, हम इसे ज्यादा डीपली पढ़ाई नहीं करेंगे. सो द फोर्सेस थ्रू विच चेंजेस अकर, जिनके कारण से चेंजेस होते हैं, और वो कौन से चेंजेस हैं, जैसे कि माउंटेन्स का बनना, रिवर्स का बहना, या फिर आपकी सी वेव्स का आना जाना, ठीक है, सुनामीज का आना, ये कैसे चीजें हो रही हैं, लेट्स सी एंड टॉक अबाउट इट. सो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं जो हाईलाइटेड हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. ये दो फोर्सेस हैं, इनके अंदर जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं दीज आर द फोर्सेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर से ही ओरिजिनेट हो रही है. इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ माउंटेन्स. ये माउंटेन्स के दो टाइप है जिससे माउंटेन्स बनते हैं, ये भी आप नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे. ये दो अलग तरीके जिससे कि माउंटेन्स क्रिएट होते हैं. सो एक एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे अर्थ के अंदर बनती है और उसके अंदर चेंजेस लेकर आती है, जैसे कि अर्थ को एक आने से हमारी अर्थ में पर वाइब्रेशन आते हैं, वोल्केनो के अंदर से वो लावा बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं और अंदर का गैस और प्रेशर और मॉल्टन मैग्मा और फायर रिलीज किए जाते हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, दीज आर द फोर्सेस दैट ऑकर्स ऑन द अबाउ द अर्थ सर्फेस, ये अर्थ सर्फेस के ऊपर पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी वेव्स या इरोजन प्रैक्टिस, जितनी भी अलग टाइप के इरोजन हो रहे हैं. अब इरोजन के डिफरेंट एजेंट्स हैं जैसे कि रिवर, जैसे कि रेनफॉल, हीट, ये सब चीजें इरोजन के नंबर ऑफ डिफरेंट एजेंट्स हैं. ये आप आके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपनी पढ़ेंगे, ठीक है. ये सभी चीजें आउट ऑफ द कोर्स है, बट समबडी हैव आस्क्ड ड्यूरिंग द लाइव क्लास की सर वो मूव कैसे करता है. सो जस्ट टू टीच दिस वन आई हैव एडेड दिस वन, कि ये इन चीजों के कारण से हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है, ठीक है, इन फोर्सेस के वजह से वो मूव करती है. लेकिन वो फोर्सेस अभी हमको पढ़ना नहीं है ना एग्जाम में आना है. सो ओनली टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि वो कौन सी फोर्सेस हैं, दीज आर द टू फोर्सेस, ये वो एग्जाम्पल्स हैं ताकि आपके लिए ये केवल नॉलेज बेसिस तक ही आपका रहे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस स्लाइड यहाँ पे आपका अर्थ क्रस्ट का पिक्चर है, एंड आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपीज वैन यू स्टार्ट राइटिंग द चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स. दिस डायग्राम शुड बी देयर इन द कॉपीज. ये आपका अर्थ का लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इसमें शो की गई है. यहाँ पे क्रस्ट है, मैंटल है, आउटर कोर एंड इनर कोर शो किए जा रहे हैं. यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस, और आपको उसको लेबल भी करना रहेगा. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स. ओके सो रॉक्स एंड मिनरल्स, दिस थिंग ऑलरेडी वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर टू कि व्हाट आर द रॉक्स एंड व्हाट आर द मिनरल्स. लेट्स वन सेकेंड टॉक अबाउट रॉक्स. दीज आर द नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. दैट मीन्स वो सारे नेचुरल मास जो कि मिनरल्स के साथ में भी मिलकर बने हुए हैं, दे ऑल कम टूगेदर एंड फॉर्म अ रॉक, एंड दीज थिंग्स आर फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, इनमें से कुछ वेरी कॉमन चीजें हैं जो दोनों के अंदर पाई जाती है. दैट मिनरल्स आर कॉमन इन बोथ रॉक्स एंड मिनरल्स, दे बोथ आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये कुछ चीजें कॉमन चीजें हैं, सो इट वोंट बी देयर इन द फॉर्मिंग अ डेफिनेशन. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं. लेकिन एनी नेचुरल मास, कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट से मिलकर बना हुआ होगा, दैट इज विल बी कॉल्ड एज अ रॉक, विच वुड बी हार्ड और सॉलिड इन नेचर. ठीक
है, ये सब चीजें मिलकर रॉक बनेगी। मतलब रॉक के अंदर मे बी सम डस्ट पार्टिकल, मे बी सम ऑर्गेनिक चीजें भी रहेगी, या फिर मे बी कुछ प्लांट्स